हेलो एवरीवन, नीलम्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे फूल गोभी कोफ्ता की रेसिपी। इसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है और ये जब बनकर तैयार हो जाता है तो ये बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आई होप आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ पर 250 ग्राम फूल गोभी को पानी से अच्छे से वॉश करने के बाद कद्दूकस से ग्रेट कर लिया है। अब हम एक कॉटन के कपड़े को किसी बर्तन के ऊपर रखेंगे और ये ग्रेट किया हुआ गोभी इस कपड़े के ऊपर डाल देंगे। और इस तरह से कपड़े को इकट्ठा करके इसका पानी निकाल देंगे। इसके अंदर जो भी मॉइस्चर होगा या पानी होगा वो इस तरह से निकल जाएगा, क्योंकि गोभी के बॉल्स बनाने के लिए हमें एकदम ड्राई गोभी चाहिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो अब हम इसे बाउल में डाल देते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये गोभी एकदम ड्राई हो गया है। ये मैंने यहाँ पर दो उबले हुए आलू लिए हैं और मैंने इनका छिलका निकाल दिया है। अब हम इन्हें कद्दूकस से ग्रेट करके गोभी के साथ मिलाएंगे। ये मैंने आलू को ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें एक मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। एक छोटा चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। ये मैंने फूल वाली धनिया ली है जिसमें हल्के हल्के से फूल आ जाते हैं, इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। अगर आपके पास ये वाली धनिया अवेलेबल नहीं है तो आप पत्ती वाली धनिया डाल दीजिएगा। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। अब हम इसमें चार छोटी चम्मच बेसन डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हमने इसमें चार छोटी चम्मच बेसन डाला है। अगर आपको लगे कि ये मिक्सचर अभी गीला है तो एक दो चम्मच बेसन और इसमें डाल दीजिएगा। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इससे राउंड कोफ्ता बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स बनाने से पहले हम हथेली में थोड़ा सा तेल लगाएंगे ताकि जब हम बॉल्स बनाएं तो ये मिक्सचर हमारे हाथों में चिपके नहीं। मिक्सचर को इस तरह से हाथ में लेकर नींबू की साइज की बॉल बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसको रोल कर लेंगे। बॉल को एकदम हल्के हाथों से बनाइएगा। तो ये देखिए, इस तरह से हमें बॉल बना लेना है। अब हम इसे प्लेट में रख देते हैं और इसी प्रोसेस से सारे बॉल्स बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो ये मैंने दूसरा बॉल भी बना लिया है, इसे भी हम प्लेट में रख देते हैं। ये हमारे बॉल्स बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल हमारा गरम हो गया है। अब हम तेल में इस तरह से एक एक बॉल डाल देंगे। इन्हें फ्राई करने के लिए हमें तेल मीडियम गरम चाहिए और इन्हें मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। थोड़ी देर हम इनको ऐसे ही फ्राई होने देंगे और इस तरह से बॉल्स के ऊपर गरम तेल डालेंगे ताकि जब हम बॉल्स को पलटें तो ये कढ़ाई में चिपके नहीं। अब हम इन्हें पलट देंगे और उलट पुलट करके इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाए इन्हें हमें तेल से निकाल लेना है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये हमारे कोफ्ता बॉल्स बनकर रेडी हैं। आप चाहें तो इन्हें चाय के साथ ऐसे भी खा सकते हैं। अब हम इन्हें साइड में रख देते हैं और जो ये कढ़ाई में तेल है इसका हम एक्स्ट्रा तेल निकाल देंगे और सब्जी बनाने के लिए थोड़ा सा तेल इसमें बचा लेंगे। पहले हम सब्जी के लिए प्याज लहसुन का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम मिक्सर जार में एक मीडियम साइज की रफली चॉप की हुई प्याज डालेंगे। 8-10 लहसुन की कलियाँ डाल देंगे। 1 इंच अदरक डाल देंगे। 1 हरी मिर्च को इस तरह से तोड़कर डाल देंगे। 3 मीडियम साइज के रफली चॉप किए हुए टमाटर डाल देंगे। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा
आधा छोटा चम्मच सौंफ, 6-7 काली मिर्च, 2 लौंग, 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची। इलायची के हम बीज निकाल कर इसमें डालेंगे। तो ये मैंने बीज निकाल लिए हैं, इन्हें इसी में डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ढक्कन से कवर करेंगे और इसका हम एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है। हमारी सारी तैयारी हो गई है, अब हम बढ़ते हैं सब्जी बनाने की प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच के लगभग तेल बचा लिया है। तेल के गर्म होते ही हम इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे, 2 तेज़पत्ता डाल देंगे। जीरा और तेज़पत्ता को हल्का सा फ्राई होने देंगे। हमने जो प्याज लहसुन टमाटर का पेस्ट बनाकर रखा है, अब हम इसमें डाल देंगे। पेस्ट को लो टू मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि अच्छे से पक ना जाए, क्योंकि अभी इसमें सारी चीज़ें कच्ची हैं और इसको पकने में तकरीबन 4 से 5 मिनट का समय लग जाएगा। मैंने पेस्ट को 4 मिनट पका लिया है। आप देख सकते हैं कि पेस्ट ने चारों ओर से तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर इसमें डाल देंगे। मसालों को कुछ सेकंड के लिए पेस्ट के साथ भून लेंगे। अब हम इसमें 2 छोटी चम्मच ताजी मलाई डालेंगे, मिला देंगे और मलाई को ग्रेवी के साथ थोड़ी देर पकाएंगे। तो मैंने इसे थोड़ी देर अच्छे से पका लिया है। आप देख सकते हैं कि मसालों ने चारों ओर से तेल छोड़ दिया है। अब हम इसे थोड़ा सा फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें 1 छोटा चम्मच टोमेटो केचप डालेंगे, मिला देंगे। टोमेटो केचप डालने से ग्रेवी का टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है। अब हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे। अब हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे, मिला देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे, मिला देंगे। अब हम इसे लिड से कवर करके मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि ये ग्रेवी हल्की सी थिक ना हो जाए, और इसे पकने में 3 से 4 मिनट का समय लग जाता है। बीच बीच में ग्रेवी को चला दीजिएगा। ग्रेवी को मैंने 4 मिनट पका लिया है और बीच में ग्रेवी को 1-2 बार चला दिया था। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ग्रेवी अच्छे से पक गई है। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। इससे ज़्यादा हमें ग्रेवी को नहीं पकाना है, क्योंकि जब हम कोफ्ते बॉल्स के ऊपर ग्रेवी को डालेंगे तो ये ग्रेवी हल्की सी थिक हो जाएगी। अब हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, मिला देंगे। ये हमारी कोफ्ता की ग्रेवी तैयार है और ये हमारे कोफ्ता बॉल्स भी रेडी हैं। अब आपको करना क्या है कि जब आपको एक कोफ्ता सर्व करना हो तो इस तरह से गरम ग्रेवी को बॉल्स पर डालिए और सर्व कीजिए। पहले से कोफ्ता बॉल्स को ग्रेवी में डालकर मत रखिएगा, नहीं तो क्या होगा, कोफ्ता सारा का सारा मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब कर लेगा और आपकी ग्रेवी भी ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। तो ये हमारे बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार कोफ्ता बनकर रेडी हैं। आप इसे पूड़ी, पराठा, नान, चावल किसी के भी साथ खाइए, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कोफ्ता कैसे लगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।